कोरबा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सनशाइन स्कूल बाकी मोगरा में महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत शामिल हुई। ब्लॉक कांग्रेस बाकी मोगरा द्वारा महिलाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं का सम्मान किया गया। क्षेत्रवासियों की मांग पर चिकित्सा एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध जल्द कराने की बात सांसद ज्योत्सना महंत ने मंच से कही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने उद्बोधन में कहा कि महिला सर्वशक्तिवान है, महिलाओं के सम्मान में ये आयोजन पुरुषों ने किया बहुत बड़ी बात है। यहाँ हमारी महिला बहनें बैठी हैं, बहुत शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, और आज तो वैसे भी सब महिलाएं ज्यादा हैं यहाँ पर, पुरुष बेचारे अकेले किनारे में खड़े या बैठे हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका आयोजन पुरुषों ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रदीप भैया हमें बड़े प्यार से दीदी बोलते हैं, और पहले से ही मुझे लगता था कि बाकी मोगरा मायके बन चुका है, यहाँ जो भी मिलता है दीदी बोलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि भाभी से दीदी ज्यादा मजे में रहती है। भाभी को तो हमेशा देना पड़ता है और दीदी तो हमेशा मायके से देती रहती है, मगर प्रदीप ने मुझसे मांग लिया है, इसका उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, आप लोगों की समस्या का थोड़ी सी बातचीत मैं ऐसी सीएलटी मीटिंग में हो चुकी है। मुझे पता है यहाँ पर हॉस्पिटल है उनका, लेकिन ना के बराबर है, तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे चिकित्सा और शिक्षा और पानी, इसकी जवाबदारी तो मैं पहले से ले चुकी हूँ। चलिए मैं आप लोगों को अस्पताल दूंगी। बाकी चीजें तो होती रहती है, जो प्रमुख है, चिकित्सा के बिना आप लोग कैसे जिएंगे? हमारी महिलाएं जो डिलीवरी के लिए जाती हैं वो कहाँ जाती होंगी? यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं है, हाँ तो एम्बुलेंस की भी घोषणा करती हूँ, मैं एम्बुलेंस लूंगी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए बाकी मोगरा से मनहरन साहू की रिपोर्ट।